फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं फैन रेगुलेटर के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। यानी कि एक स्विच लगा हुआ है हमारा, उसके साथ ये फैन चल रहा है, लेकिन उसके बीच में हमने एक फैन रेगुलेटर लगाना है। तो वो कैसे लगाएंगे, उसके कनेक्शन कैसे करेंगे, यहाँ पे हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, सर्किट डायग्राम बना के दिखाएंगे। और आपको ये देख सकते हैं, ये फैन भी चला के दिखाएंगे, इसके साथ इसको ऑपरेट करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने एक ये फैन रेगुलेटर लिया है और एक ये वन वे स्विच लिया हुआ है। वन वे स्विच आप देख सकते हैं पीछे से दो टर्मिनल है, ठीक है। इसकी वायरिंग करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको इसका सर्किट डायग्राम समझा देता हूँ, इसके अंदर क्या क्या होता है और कैसे इसके सिंबल्स वगैरह होते हैं और कैसे इसकी वायरिंग करनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम एक बात कर रहे हैं फैन रेगुलेटर कनेक्शन की, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, फैन को चलाने के लिए सिंगल फेज यानी कि 220 वोल्टेज आती है घर पे। तो जो फेज वायर होगा फ्रेंड्स, फेज वायर होगा वो स्विच के एक टर्मिनल पे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो स्विच का दूसरा टर्मिनल होता है वो चला जाएगा फैन रेगुलेटर के एक टर्मिनल पे, ठीक है। और जो फैन रेगुलेटर का दूसरा टर्मिनल होगा वो चला जाएगा फिर फ्रेंड्स फैन के अंदर, ठीक है। और इसी तरह से न्यूट्रल है, जो न्यूट्रल क्या करता है, डायरेक्ट फैन के अंदर चला जाता है। और यहां पे वो कैपेसिटर वगैरह लग के इसके अंदर कनेक्शन हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको कैपेसिटर के कनेक्शन करने नहीं आते तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, हम कैपेसिटर के ऊपर भी वीडियो बना देंगे आपके लिए। तो चलिए अभी हम इसके प्रैक्टिकल करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस स्विच बोर्ड के अंदर इसको फिट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हमने इनको स्विच को और फैन रेगुलेटर को इसके अंदर बोर्ड के अंदर कस लिया है, टाइट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, जो डायग्राम में मैंने बताया था आपको, पहले जो फेज और न्यूट्रल आएगा उनमें से फेज वायर है वो स्विच के एक टर्मिनल पे आ जाएगा। तो ये स्विच का है, इसका एक टर्मिनल पे हम रेड वायर है जो हमारी फेज है ये, इसको कनेक्ट कर लेते हैं एक वायर पे, मतलब एक पॉइंट पे। तो इसको हम नीचे वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर देते हैं। काफी लोग ये बोलते हैं कि इसको नीचे करना चाहिए, ऊपर करना चाहिए, ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि फ्रेंड्स ऊपर नीचे करना चाहिए, इसको आप कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। स्विच सिर्फ एक ऑन ऑफ का बटन होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहां पे हमने ये कनेक्ट कर लिया, और जैसे मैंने बताया आपको, इसका एक टर्मिनल फैन रेगुलेटर के अंदर दो टर्मिनल आप देख सकते हैं, एक ये वायर है एक ये वायर है, दो है। इनमें से एक वायर हमारी स्विच के अंदर चली जाएगी और एक के अंदर हम फैन कनेक्ट करेंगे। तो हम एक वायर को कोई भी उनमें से एक कोई भी एक वायर को हम स्विच के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं हमने एक इसकी वायर को भी स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। अभी क्या है, जो हमारा फैन है फ्रेंड्स, ये वाला फैन है, इसके साथ ये दो वायर आई हैं यहां से, एक रेड कलर की और एक येलो कलर की। जो रेड कलर की है उसके अंदर हम क्या करेंगे, कनेक्ट कर देते हैं फेज कनेक्ट, और जो येलो कलर की है उसके अंदर कनेक्ट करेंगे हम न्यूट्रल। तो हम रेड कलर की वायर को यहां से, जो फैन रेगुलेटर है, फैन रेगुलेटर के दूसरा टर्मिनल है जो, उसको हम थोड़ा सा छील के, ये थोड़ी वायर खराब हो रखी इसलिए कट रही है, थोड़ा छील के इसको सावधानी से छीलना है वरना तो खराब हो जाएगी, छील के इसके ऊपर टेप लगा देंगे अच्छे से ताकि ये कनेक्शन खुले नहींगा, ठीक है। तो हम यहां पे इसके ऊपर टेप लगा देते हैं। फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो में कुछ समझ में ना आए ना तो हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, हम आपकी पूरी पूरी हेल्प करेंगे। और आपके मन में कोई ऐसा टॉपिक चल रहा हो ना कि इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, तो आप वो कमेंट बॉक्स में भी वो भी कमेंट कर सकते हैं कि अगली वीडियो इसके ऊपर होनी चाहिए। तो हम पॉसिबल हो सकेगा तो अगली वीडियो या फिर उससे अगली, मतलब एक हफ्ते के अंदर अंदर वो वीडियो आ जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से हम इसके ऊपर टेप लगा देंगे यहाँ पे। और फ्रेंड्स, इसके बाद क्या है, ये तो सीरीज कनेक्शन जो फैन रेगुलेटर का हमारा फेज का कनेक्शन हो गया है। अभी जो न्यूट्रल आएगा फ्रेंड्स, ये ब्लैक कलर की वायर आप देख सकते हैं, न्यूट्रल आएगा, इसको हम डायरेक्ट इसके अंदर फैन के अंदर जोड़ देते हैं, ठीक है। और यहां पे भी हम एक टेप लगा देंगे। टेप लगाना बहुत ही जरूरी है फ्रेंड्स, ओपन सर्किट के ऊपर पता नहीं कब शॉक लग जाए, कब शॉर्ट सर्किट हो जाए, ठीक है। तो अभी इसकी वायरिंग कंप्लीट हो गई है, ज्यादा कुछ बड़ी बात थी नहीं, इसके अंदर कंप्लीट हो गई है। अभी हम इसका ट्रायल लेने वाले हैं। ट्रायल लेने के लिए क्या करना है, हमें यहां पे फेज और न्यूट्रल कनेक्ट करना है और इसके अंदर इसको थोड़ा सा हैंग कर लेंगे ताकि ये घूम सके, इस तरह से थोड़ा सा हैंग कर लेंगे। तो चलिए इसको हम एक बार सेट करके आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हमने इसको थोड़ा सा हैंग कर लिया है और इसके पीछे से इस पावर को ऑन कर दिया है। तो हम यहां पे इसको बटन को ऑन करेंगे तो हमारा ये फैन नहीं चला, क्योंकि जो फैन रेगुलेटर है वो शायद ऑफ पे है अभी। इसको हम थोड़ा सा बढ़ा के देखते हैं, तो अभी आप देख सकते हैं ये चल गया है, इसको वापसी बंद कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहां से ऑन ऑफ कर सकते हैं और यहां से इसकी स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।